उसका धन दे में भी। बाबा बहुत तीखा था उस धंधे में। ये तो ज्ञान रत्नों का धंधा है और उस धंधे में इस धंधे में दुनियावी धंधे में बाबा माना ब्रह्मा बाबा बहुत तीखा था। लेकिन दुनिया कौन सी थी है? जिस दुनिया में बाबा स्थूल रत्नों के धंधों में बहुत तीखा आचरण करने वाला था, अच्छा जवाहरी माना जाता था, वो दुनिया कैसी थी? कलयुगी पतित दुनिया थी या पावन दुनिया थी? पतित दुनिया थी। पतित दुनिया में कोई अच्छे धंधे वाला हो तो पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? जो सच्चा होगा वो झूठ की दुनिया में सच्चाई से अगर धंधा करेगा तो उसका धंधा सफल होगा? सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का एक भागीदार भी था। बाबा ने उसको होशियार समझ करके अपनी दुकान में नौकर रख लिया और दुकान का सारा कारोबार उसको सौंप दिया। होशियार भी था और सच्चाई भी थी। तो सच्चाई ब्रह्मा बाबा की दासी बन गई। सच्चाई को कौन से युग में दास दासी बनना पड़ता है? कलयुग दुनिया। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि देवताओं को रावण ने अपनी पाटी से बांधा हुआ था। जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, उंगली से इशारा किया काम करने के लिए हाजिर, बटन दबाया रोशनी ही रोशनी, बटन दबाया पंखा ही पंखा, एसी का वातावरण, उंगली के इशारे पर 5 तख्तों रूपी देवताओं को चलाता था। तो कलयुगी दुनिया में जो दुनियावी धंधे हैं उन धंधों में कोई मर्तबे वाला वो ही बन सकता है जो झूठ की दुनिया में झूठों के साथ चले। आज की दुनिया में कोई भी सच्चा आदमी मेहनत की कमाई करके करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। उनका भागीदार भी बूढ़ा था। और लौकिक संबंध में उनका बहनोई भी था। धंधा भी दोनों का एक ही था। बाबा की बड़ी दुकान थी और वो गरीब था। दुकान इतनी ज्यादा चलती नहीं थी। क्यों नहीं चलती थी जब ज्यादा होशियार था? क्योंकि सच्चाई का धंधा था।